हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 स्टार्ट हो गया है। आज दो मैच खेले जाएंगे राउंड ऑफ 16 के, जो कि फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना, जिसकी आप वीडियो देख रहे हो। और सेकंड वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो है उरुग्वे वर्सेस पोर्चुगल की, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो शुरू करते हैं वाली वीडियो। पहले इस वाली वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, ड्रीम इलेवन टीम दूंगा आपको, स्टार्टिंग इलेवन समझाऊंगा क्या हो सकती है, फ्रांस के बारे में बात करेंगे, अर्जेंटीना के बारे में बात करेंगे, और कुछ की प्लेयर्स भी बता दूंगा कौन कौन से हैं। तो सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगी, तो शुरू से देखने की कोशिश करना एंड तक। जो शुरू करते हैं तो फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना है, वेन्यू कज़ान अरीना, कज़ान पे मैच होने वाला है, रशियन फेडरेशन पे। अगर हम देखें, देखिए शुरू से अगर मैं आपको बताऊँ, अर्जेंटीना की जो परफॉर्मेंसेज रही है वो बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। एक तरह से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा खास नहीं करा उन्होंने। इन सब की बातें करेंगे, ग्रुप स्टेजेस में क्या करा। फ्रांस ने भी ऐसा नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल एक तरफा करके सारे मैचेस जीते हों, इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं रही जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अगर हम रीसेंट रिजल्ट देखें, इनके पांच जो लास्ट मैचेस हैं, जिसमें से तीन जो मैचेस होंगे वो वर्ल्ड कप के हैं और बाकी आप देख सकते हो फ्रेंडली मैचेस थे। तो जो ये तीन जो मैचेस थे, इसमें आप फ्रांस देख सकते हो दो जीते हैं और एक ड्रॉ है। टोटल अगर हम लास्ट सात मैचेस देखें इनके, तो सात में से एक भी मैच नहीं आ रहा है, पाँच में से तीन जीते हैं, दो ड्रॉ फ्रांस के रहे हैं। अर्जेंटीना की तरफ से अगर हम देखें तो दो विन हैं, दो लॉस हैं और एक ड्रॉ है। और जो पहला जो ये अब विन देख रहे हो, ये है नाइजीरिया के अगेंस्ट मार्कस रोहो का वो गोल। अगर नहीं आता तो अर्जेंटीना यहाँ नहीं होती, घर बैठी होती अपने। तो शुरू करते हैं एक बार यहाँ से, ग्रुप स्टेजेस राउंड अप देख लेते हैं। तो ग्रुप स्टेजेस में फ्रांस ने क्या करा ये देख लेते हैं। तो पहला मैच जो था वो था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें ग्रीजमन ने पेनल्टी से गोल मारा था और पॉल पॉगबा ने गोल मारा था, ऑस्ट्रेलिया ने भी एक गोल मार दिया था, तो 2-1 से वाला मैच जीते। सेकेंड मैच में पेरू को हराया उन्होंने 1-0 से, जिसमें मैम्पेपे ने एक गोल करा था। और फ्रांस और डेनमार्क वाले मैच में पूरी टीम को लगभग जो मेन प्लेयर्स थे सारे बैठे हुए थे, जो भी बेंच को था उनको टेस्ट कर रहे थे, थोड़ा रेस्ट दे रहे थे अपने प्लेयर्स को। तो यहाँ पर अगर हम देखें, फ्रांस 0-0 फिर डेनमार्क के साथ खेल के आई। अगला हम देखते हैं अर्जेंटीना ने अपने ग्रुप में क्या करा। तो अर्जेंटीना ने पहला मैच आइसलैंड के अगेंस्ट खेला, जिसमें 1-1 से बराबरी रही, लियोनेल मेसी ने वो पेनल्टी मिस नहीं करते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2-1 होता और बहुत इजीली ये क्वालिफाई कर जाती। फिर अर्जेंटीना क्रोएशिया के अगेंस्ट आई, बहुत प्रेशर मैच था, क्रोएशिया ने एक तरफा उनको हराया 3-0 से, जिसमें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस क्रोएशिया की रही थी। लुका मॉड्रिच का वो गोल बहुत कर्ल होता हुआ, बड़ा ज़बरदस्त था अगर आपने देखा होगा तो। फिर अर्जेंटीना को मस्ट विन मैच था नाइजीरिया से, वो मैच जीतना ही था, अगर नाइजीरिया जीती तो नाइजीरिया क्वालिफाई कर जाती, तो 1-1 की बराबर हो गई थी। बहुत ज़बरदस्त गोल एक इसमें लियोनेल मेसी ने मारा था। फिर जो लास्ट के कुछ 87 या अराउंड लास्ट के 90 मिनट में फिर कॉर्नर से एक गोल लगा, जो कि मार्कस रोहो ने मारा। बहुत ही ज़्यादा अगर हम देखें, अर्जेंटीना की टीम इतनी कुछ सेट पीसेस में या कॉर्नर में इतना अच्छा नहीं दिख रही, क्योंकि इतना कोई फिजिकल प्लेयर इनकी टीम में नज़र नहीं आ रहा है, कोई जो हाइट में लंबा ऐसा प्लेयर हो जो हेडर से गोल कर दे वो नज़र नहीं आ रहा है। अर्जेंटीना नाइजीरिया वाले मैच में, अर्जेंटीना के मैं देख रहा था कि कॉर्नर से वो अपने पासेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, सीधा कॉर्नर नहीं ले रहे थे, कन्वेंशनल जो लेते हैं जो हेडर मारने की कोशिश किया जाता है वैसा भी नहीं कर रहे थे। तो इतना हाइट में कोई वैसा प्लेयर इनके पास है नहीं, तो और परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है। अर्जेंटीना अगर चाहेगी तो फिर मेसी को ही कुछ करना पड़ेगा, वही एक प्लेयर नज़र आ रहे हैं जो कि खास कुछ कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो लास्ट वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट माना जा रहा है उनका ये लास्ट मैच हो सकता है, क्योंकि फ्रांस बहुत ज़बरदस्त टीम साबित हो सकती है इस वाले मैच में। अब स्टार्टिंग 11 देख लेते हैं क्या होने वाली है। हुगो लोरिस रहने वाले हैं यहाँ से, इनके कैप्टन भी है, गोलकीपर भी रहेंगे फ्रांस के, बेंजामिन पवर्ड हैं यहाँ पर, और ये है आपका डिफेंस लाइन जो कि डिफेंडर होंगे चार, रफेल वरान जो कि रियल मैड्रिड से खेलते हैं, सैमुअल ओमटिटी हैं बार्सिलोना के, और लुकस हर्नांडेस हैं। तो ये चार आपके होंगे डिफेंडर्स। फिर दो होंगे डिफेंडिंग मिडफील्डर्स कह सकते हो आप, जिनको यहाँ से हम देखें, पॉल पॉगबा और नंगोलो कांटे। फिर अगर हम देखें मिडफील्डर जो कि अटैकिंग मिडफील्डर होंगे, वो गेम एमपेपे हो सकते हैं, एंटोन ग्रीजमैन हो सकते हैं, और मटवीडी हो सकते हैं, और एक लौते फॉरवर्ड इनके हो सकते हैं ओलिवियर जीरू। तो ये प्लेइंग जो स्टार्टिंग 11 हो सकती है, क्योंकि टीम के पास कम से कम 23-24 प्लेयर्स होते हैं, तो बहुत से चेंजेस हो सकते हैं टीम के अंदर भी, ऐसा ये कंफर्म तो नहीं होगी पर चेंजेस भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग 11 जो है, आपको पता है ड्रीम 11 के डेडलाइन जो है वो पहले ही बंद कर दी गई है। अगर आप प्लेयर स्पॉट पे खेलते हो तो इनके ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट होता है उसको फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको मिल सकती है, बहुत पहले मिल जाती है अगर आप हाला प्ले खेलते हो या फिर आप खेलते हो प्लेयर स्पॉट, तो वहाँ पर आप टीम देख करके अपनी टीम बना सकते हो। तो ये रहने वाली है मोस्ट प्रोबेबली फ्रांस की टीम। अब अर्जेंटीना की टीम में क्या रहने वाला है, फ्रांको अरमानी जो है उन्होंने अपना डेब्यू करा लास्ट मैच में, जो कैबरेलो थे इनका जो गोलकीपर थे, उन्होंने बहुत सिली मिस्टेक करी थी क्रोएशिया वाले मैच में, हाथ से ही एक गोल दे दिया उन्होंने, तो उसकी बदौलत हटाया गया और फ्रांको
अरमानी को उनका डेब्यू कराया गया। सोच सकते हो इतनी बड़ी टीम और एक गोलकीपर इनका डेब्यू कर रहा है वर्ल्ड कप के अंदर, तो बहुत बड़ी बात होती है टीम का। इससे पता चल रहा है जो इनके संपाउली जो इनके मैनेजर हैं उनके खास कुछ जो हथकंडे हैं वो अपना नहीं पा रहे अपने। अब अगर हम यहाँ से देखें तो मर्काडो होंगे इनके जो यहाँ पे हम डिफेंडर्स देख रहे हैं, और निकोलस ओटामेंडी होंगे, मार्कस रो होंगे और टैक्लियाफिगो होंगे यहाँ पर, तो ये चार प्लेयर्स होंगे। अगर हम देखें यहाँ पर मिडफील्डर्स में एवर बनेगा होंगे, फिर जेवियर मेशरानो होंगे, मैक्सिमिलानो मेजा या फिर एंगल डिमरिया को आप ले सकते हो। देखो चार के साथ भी खेल सकते हैं, यहाँ पर सर्जियो अग्वेरो हटा दें क्योंकि लास्ट मैच में यही हुआ था, सर्जियो अग्वेरो नहीं खेले थे। निकोलस पेरेस को भी यहाँ पे डाल सकते हैं, चार मिडफील्डर के साथ जा सकते हैं, थोड़ा सा डिफेंस इनका तगड़ा हो जाएगा मिडफील्डर्स अगर आप ये चार लेके चले। और फिर लियोनेल मेसी और गुंजालो हिग्वाइन इनके फॉरवर्ड्स रहेंगे, पर मेसी आपको हर जगह दिखाई देते हैं, ये डिफेंस में भी कभी कभी दिखाई देते हैं, ये कभी आपको मिडफील्ड में भी दिखाई देंगे और ये कभी आपको फॉरवर्ड में भी दिखाई देंगे। तो मेसी पूरा इनका गेम कंट्रोल करके रखेंगे और बेस्ट प्लेयर एक तरह से इस टीम के हैं, सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वाला मैच फ्रांस को हराना है तो मेसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब देख सकते हो यहाँ से सर्जियो अग्वेरो, लियोनेल मेसी और गुंजालो हिग्वाइन, ये तीन फॉरवर्ड हो सकते हैं। अगर लास्ट मैच की तरफ देखें तो निकोलस पेरेस आ सकते हैं टीम के अंदर यहाँ पर, तो ये चार हो सकते हैं इनके डिफेंड जो मिडफील्डर्स हैं, ये चार यहाँ पर ये भी हो सकते हैं। तो ये है इनकी स्टार्टिंग 11। अब जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे प्लेयर्स इनके पास बहुत सारे हैं, 23-24 का स्क्वाड होता है, बहुत बड़ा स्क्वाड होता है और किसी भी प्लेयर को खिलाया जा सकता है, तो चेंजेस हो सकते हैं। ये कंफर्म 11 नहीं है पर मोस्ट प्रोबेबल यही खेलेगी, तो आप इसको देख कर टीम बना सकते हो। अब चलते हैं ड्रीम 11 की तरफ। तो ड्रीम 11 में अभी तो ये खुला, तो मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, एक मैच है यहाँ पर इंग्लिश ओडीआई कप का जो फाइनल है वो, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो ऊपर आई बटन पर आप जाकर के देख सकते हो, अभी लिंक मैंने दे दिया है यहाँ पर, तो क्लिक करके इस वाली वीडियो को भी देख सकते हो। अब चलते हैं अगला जो मैच है, यहाँ पे देख सकते हो आप क्लैश ऑफ चैंपियंस लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना, और यहाँ पर है उरुग्वे वर्सेस पोर्चुगल। तो ये जो उरुग्वे वर्सेस पोर्चुगल भी मैं देने की कोशिश करूँगा, तो अभी इस पे चलते हैं सीधा। टीम जो मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से हुगो लोरिस को लिया है जो कि कैप्टन है फ्रांस के, और टॉटनहम हॉटस्पर से भी खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं ये। यहाँ से कैबरेलो नहीं खेलेंगे और अरमानी को खेल सकते हो आप लेना चाहो। अगर आपको लग रहा है अर्जेंटीना जीत सकती है, क्लीन शीट लेके जाएगी, तो फ्रैंको अरमानी को आप ले सकते हो अपनी टीम में, अदरवाइज मत लेना। अगर आपको सर लग रहा है जीतेगी, कम गोल खाएंगे, सेव कर सकते हैं, तो ले लेना, क्योंकि हुगो लोरिस बहुत ज़बरदस्त गोलकीपर में से एक है। अब नंबर तीन, यहाँ पर तीन मैंने डिफेंडर लिए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों टीमें स्कोर कर जाएंगी, इसलिए डिफेंडर थोड़े मैंने कम लिए हैं। राफेल वरान को लिया हुआ है, यहाँ से ऑप्शन है आपके पास। निकोलस ओटामेंडी, मार्कस रोहो है जिन्होंने लास्ट मैच में गोल भी मारा था, तो एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, पर इन्होंने ये काम आपको गोल ये जब भी मारेंगे, जब कॉर्नर मिलेगा या कोई सेट पीस मिलेगा तो तभी जा करके यहाँ पर गोल लगता है। अदरवाइज ये जो बैक के प्लेयर होते हैं, जो फुल बैक प्लेयर होते हैं, जैसे ये हो गए मार्कस रोहो होंगे, निकोलस ओटामेंडी होंगे, ये पीछे ही रहते हैं, ज़्यादा आगे जाते नहीं हैं। अगर हम देखें यहाँ से राफेल वरान को मैंने लिया हुआ है, नीचे से मैंने लिया है निकोलस टैक्लियाफिगो को लिया हुआ है, और बेंजामिन पावर्ड को मैंने लिया हुआ है फ्रांस की तरफ से। तो ये तीन लिए हैं क्योंकि आगे के जो प्लेयर हैं वो बहुत ज़बरदस्त लेने पड़े। यहाँ से एंगल डी मरिया को मैंने छोड़ा क्योंकि हल्का सा रिस्क हो सकता है, लास्ट मैच में उनको रिप्लेस भी कर दिया गया था 70वें या 80वें मिनट में, तो आप ये भी देख सकते हो इतना कुछ ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगी, पर ठीक परफॉर्मेंस थी, खेलेंगे ऐसा हो सकता है, चांसेस इनके बनेंगे, इनको चाहो तो ले सकते हो। पॉल पोगबा को मैंने यहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से जेवियर मेशरानो को लिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, एवर बेनेगा को लिया हुआ है, और लिया है नंगोलो कांटे को। तो ये चार प्लेयर मैंने लिए हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर हैं नंगोलो कांटे, पर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, गोल स्कोर कर सकते हैं, खास तौर से पॉल पोगबा भी, तो उनके ऊपर नज़र रखना, एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं। अब फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं, लियोनेल मेसी को लिया हुआ है, नो डाउट उनको लेना पड़ेगा, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड हैं तो इनको लेना ही है। एंटोइन ग्रीजमैन को लिया हुआ है और केलियन मैम्पेप्पे को मैंने लिया, यहाँ से ऑप्शन बनता है गुंजालो हिग्वाइन ऑप्शन बनता है, ओलिवियर जिरू ऑप्शन बनता है, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन ये हो सकता है, मैम्पेप्पे को मैंने लिया हुआ है। एक दो ऑप्शन और बताता हूँ डिफेंस में, अगर आप चाहो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से ओटामेंडी हो गए, ऊपर से मार्कस रोहो हो गए, सैमुअल ओमटिटी हैं बहुत ज़बरदस्त, जो कि बार्सिलोना के मिडफील्डर हैं, तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर ये भी हैं। तो इतना ही था, अब नेक्स्ट करके एक बार कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन दिखा दो। तो ग्रीजमैन को कैप्टन बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन मेरे लियोनेल मेसी हैं, एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, देखो ऑप्शन रहेगा पॉल पोगबा ऑप्शन रहेगा, नंगोलो कांटे को ले सकते हो ऑप्शन एक तरह से, मैम्पेप्पे को ले सकते हो अगर ओलिविया जिरू ले रहे हो, या फिर गुंजालो हिग्वाइन ले रहे हो तो उनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, और अगर एंगल डी मरिया को ले रहे हो तो उनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कोर नहीं करेगी दोनों टीमें, तो यहाँ पे पांच डिफेंडर के साथ भी आप जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है
0-0 स्कोर रहेगा तो 5 डिफेंडर ले लो। अगर तो यही हो सकता है ज़्यादा, अगर दोनों टीमें स्कोर करेंगी जैसे कि इस वाले मैच में मैंने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जीतेगी फ्रांस, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हो मैंने 7 प्लेयर लिए हुए हैं, फ्रांस के 7 प्लेयर हैं, सिर्फ 4 प्लेयर लिए मैंने अर्जेंटीना के। अगर आपको ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना जीतेगी तो उनके कुछ ज़्यादा प्लेयर्स आप कर दो और फ्रांस के थोड़े से प्लेयर कम कर दो। एक यहाँ पर राफेल वरान की जगह निकोलस ओटामेंडी को ले सकते हो या फिर ले सकते हो मार्कस रोहो को, तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।